नमस्कार, आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 58 की बात करते हैं। हम लोग अलग अलग लग्नों में तात्कालिक रूप से कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन अशुभ होंगे, कौन सम प्रभाव देगा, इसको पढ़ रहे हैं। ये भी स्पष्ट होता जा रहा है कि हम किस ग्रहों से क्या उम्मीद करेंगे, उनकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो अगर पहले से हमको जानकारी रहेगी कि इन लग्नों के लिए ये ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ हमको परिणाम देने में सुविधा होगी। तो आज हम लोग मिथुन लग्न की बात करेंगे। 3 नंबर से मिथुन को जानते हैं और आज हम लोग मिथुन लग्न की बात करेंगे कि मिथुन लग्न में कौन शुभ ग्रह होंगे और कौन अशुभ ग्रह होंगे और किसका प्रभाव सम होगा, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जो मिथुन लग्न का होता है, और उसके आधार पर जब लग्न मिथुन है तो अन्य भावों में कौन सी राशि स्थित होगी, ये भी हम लोग अच्छी तरह से अब जान चुके हैं। आपको ये बनाना भी अब आ गया होगा। अब जैसे लग्न में हमने मिथुन लिखा तो आगे क्रम से, क्योंकि राशि चक्र में भी पीछे आगे राशि नहीं रखी गई है, क्रम से रखी गई है, और ये स्थिर हैं, ये ग्रहों के तरह गतिशील नहीं हैं। इसलिए 3 के बाद 4 अर्थात मिथुन के बाद कर्क, तीसरे स्थान। हमेशा हम स्थान की चर्चा इसलिए कर देते हैं कि आप इस भाव को तीसरा न मान लें। जब हम सामने बताते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी होते हैं जो कभी कभी विलंब से समझ पाते हैं और तीसरा भाव पूछेंगे तो वो यहाँ हाथ रख लेते हैं, जबकि ये तीसरी राशि है, ये भाव पहला ही होगा जिसको हम लोग लग्न कहेंगे। अब तीसरे भाव में सिंह राशि, चौथे में कन्या, पांचवें में तुला, छठे में वृश्चिक, सातवें में धनु, आठवें में मकर, नौवें में कुंभ, दसवें में मीन, ग्यारहवें में मेष और बारहवें में वृष राशि। अब लग्नेश होने के कारण बुध शुभ ही होंगे, क्योंकि ये लग्न के केंद्र के साथ साथ त्रिकोण स्थान भी है और इसकी दूसरी राशि केंद्र में ही स्थित है, 3, 6, 11 या 6, 8, 12 में स्थित नहीं है, अर्थात अशुभ और दुख स्थान में स्थित नहीं है। तो बुध शुभ ग्रह की श्रेणी में आ गए। अब बुध के बाद आगे चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा दूसरे स्थान में स्थित है, दूसरे स्थान को मारक स्थान भी कहते और धन स्थान भी कहते हैं। अब चंद्रमा यह पक्ष बली होता है, अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, पूर्णिमा के आसपास हुआ, कृष्ण पक्ष में भी पूर्णिमा के आसपास हुआ, तो चंद्रमा शुभ हो जाएगा, और शुभ हो जाएंगे तो नैसर्गिक रूप से शुभ, और तात्कालिक रूप से अब इन दोनों के रिलेशन की बात आती है। बुध का एक ही शत्रु है जो चंद्रमा है, और चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। तो यहाँ हम लोगों को जरूर लिखना पड़ेगा कि चंद्रमा सम प्रभाव में रहेंगे। अशुभता तो ये देंगे ही नहीं, क्योंकि ये पिता पुत्र का संबंध आगे भी समझेंगे जब गोचर पढ़ेंगे, और वेद और विपरीत वेद पढ़ेंगे तो वहाँ ये वेद नहीं करते, बहुत कुछ आगे समझ में आएगा। तो यह चंद्रमा इसको शत्रु नहीं मानता, बुध इनको शत्रु मानता है, तो एक शत्रु मानता दूसरा मित्र मानता, तो सम हो गया। अगर ये पक्ष बली है तो शुभ भी है, और ये धन स्थान है, अर्थात हमेशा बुध को धन देने की ही बात करेंगे। इसके बावजूद चूंकि लग्नेश इसको शत्रु मानता है, इसके लिए एक्सेप्टेबल चंद्रमा नहीं है, तो हम चंद्रमा को सम की श्रेणी में रखकर आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य तीसरे स्थान, अब तीसरा स्थान आते ही मन में तो यह आ ही जाता होगा, ये तो अशुभ स्थान है, सूर्य है, तो अब तो यहां से गुरुजी यही बोल देंगे कि यह अशुभ है। सही समझा आप लोगों ने, नैसर्गिक अशुभ और तात्कालिक रूप से भी अशुभ स्थान के स्वामी, तब इनको शुभ कैसे कहेंगे। बुध को सम मानते हैं, लेकिन बुध सूर्य को अपना मित्र मानता है। इसके बावजूद अब सम मानते और मित्र मानते, तो मित्र आ गया, लेकिन
नैसर्गिक अशुभ ग्रह होने के कारण, तात्कालिक रूप से अशुभ स्थान के स्वामी होने के कारण हम इसको अशुभ की ही श्रेणी में मान करके चलेंगे, क्योंकि दूसरी राशि है नहीं और कोई भेद खोल नहीं सकते हम। आगे चलते हैं, ये कन्या राशि की बात हो गई बुध के संदर्भ में, अब तुला की बात कर लेते हैं। तो ये त्रिकोण स्थान है, त्रिकोण स्थान सदैव शुभ, कभी अशुभ नहीं। और जब कभी अशुभ नहीं तो इसके स्वामी कौन है? शुक्र। नैसर्गिक रूप से भी ये शुभ है, तो नैसर्गिक रूप से शुभ है, तात्कालिक रूप से शुभ हो गए। अब साहचर्य के नियम में ये 3, 6, 11 में नहीं, 12 में गया है, तो 12 के लिए हमको बहुत परेशानी नहीं है। दूसरी राशि तो इसके कारण, और ये मित्र मानते, लग्नेश बुध भी शुक्र को मित्र मानता, शुक्र भी लग्नेश बुध को मित्र मानते, तो ये अशुभ की श्रेणी में नहीं रखे जाते, ये शुभ की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब मंगल की बात कर लें तो ये छठा स्थान है और ये 11वां स्थान है, और 3, 6, 11 स्थान को ही अशुभ कहते हैं। तो छठा और 11वां दो दो अशुभ स्थानों के स्वामी हैं, और कौन है? मंगल है। क्या बुध के साथ मित्रता है? नहीं है, तो बुध मंगल को भी अशुभ ग्रहों की श्रेणी में डाल दीजिए। अब बुध के साथ मित्रता नहीं, मंगल बुध को अपना शत्रु मानते, बुध शत्रु नहीं सम मानता, तो शत्रु और सम तो शत्रु ही हो गए। जब हम लोग आगे पंचधाम मैत्री भी, जब ये समाप्त होगा, 12 लग्नों की बात हम कर लेंगे, तब आपको पहले पंचधाम मैत्री ही बताएंगे, क्योंकि या अब जरूरत महसूस हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो स्थान, दोनों स्थान अशुभ, नैसर्गिक रूप से बुध ग्रह के रूप में भी अशुभ, लग्नेश का मित्र नहीं, तो अशुभ ग्रहों के श्रेणी में रखा, अशुभता के श्रेणी में रखा। अब गुरु की बात कर लेते हैं, तो सप्तम और दशम के स्वामी हैं, दोनों केंद्र के स्वामी हैं, तो शुभ हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ हैं। अब गुरु के साथ यदि बात कर लें तो ये सम मानते हैं। विरोध क्या है? कोई नहीं। जब विरोध नहीं है और दो केंद्र के ही स्वामी हैं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको शुभ मान लेते हैं। तो गुरु को भी हम लोग मिथुन लग्न के पत्रिका में शुभ मान करके ही चलते हैं। अब ये मारक स्थान है, लेकिन गुरु भी तो है, ये क्यों भूलें? और बुध यदि अशुभ ग्रहों के साथ नहीं है तो वो शुभ तो है। चलिए आगे, अब हम लोग शनि की बात कर लेते हैं। तो ये 8वें और 9वें स्थान का स्वामी, हम लोग इन दोनों स्थानों को भी अलग से समझेंगे, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि त्रिकोण नाथ होने के कारण अगर इसकी दूसरी राशि किसी भी स्थान में हो, छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, 3रे में हो, 11वें में हो, लेकिन चूंकि वो त्रिकोण नाथ है, और त्रिकोण नाथ कभी भी लग्नेश का शत्रु नहीं होता, इसलिए वो योगकारी है। यदि ये कभी लग्नेश का शत्रु हो जाए तो आप हमें बताएंगे। ये कभी लग्नेश का कोई भी लग्न आप लगा लेंगे, आगे हम लोग इसको सीखेंगे, तो कभी लग्नेश का ये शत्रु नहीं होगा पंचम और नवम का स्वामी, इसलिए ये क्या हो गए? शुभ हो गए। तो नैसर्गिक रूप से अशुभ होते हुए भी शनि को मिथुन लग्न में हमने शुभ की श्रेणी में रखा। अब गुरु की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, और शुक्र की भी बात हो गई, तो रिजल्ट मेरे पास है। बुध, शुक्र, गुरु और शनि, ये शुभ परिणाम देंगे। सूर्य मंगल की शुभता में कमी रहेगी, ये अशुभ परिणाम देंगे। चंद्रमा सम के रूप में हम लोग मिथुन लग्न में समझेंगे। अब जब दशा अंतरदशा आएगी तो वहाँ ये लोग शुभ परिणाम देना चाहेंगे,
ये शुभ परिणाम नहीं देना चाहेंगे और इनका व्यवहार सम होगा, ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। जब ग्रह हम यहाँ स्थित कर देंगे तो आपके मन में भटकाव विशेष हो जाएगा। आप लग्नेश या लग्न के स्वामी या तात्कालिक क्या प्रभाव होता है इसको समझना ही छोड़ देंगे। इसलिए 12 लग्नों को हम लोग आराम आराम से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। आप क्रम से पाठ को पढ़िए, पढ़ने का लाभ होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।